ऑल राइट माई डियर, दिस इज उज्जवल कुमार सेन एंड यू आर वॉचिंग उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, आपने पढ़ लिया होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसा क्या चीज है जो आपको लाइफ में जरूर करना चाहिए, जो आपको जरूर करना चाहिए, राइट। तो पांच चीजें क्या है, चलिए शुरू करते हैं। पहला मैं बात करूंगा, बहुत ही सारे पॉइंट क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझना तो है, लेकिन और एक बात, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप, भूल जाएंगे मुझे पता है। तो आप क्या करो, फटाफट एक कॉपी, इसको वीडियो को पॉज करो, कॉपी ले आओ, पेन ले आओ, जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ उनको लिखो आप, उसके बाद आप अपने जेब में डालो या फिर जहां सोते हो उसके आसपास दीवार में चिपका दो बड़े अच्छे हैंडराइटिंग के साथ। आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और से लिखवा लो, सुधारने के लिए वीडियो देख लो मेरा, आपको पता लग जाएगा, इम्प्लीमेंट कर लो, सुधर जाएगा हैंडराइटिंग। मेरा भी बहुत अच्छा हैंडराइटिंग नहीं था, लेकिन अब काफी इंप्रूव हो गया है जो टिप्स मैंने अप्लाई करा उसको देख के, उसको अप्लाई करके, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए पांच चीजें क्या है, चलते हैं। पहला, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, हर बंदा अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूव करता है, हर इंडस्ट्री में हर एक कंपनी अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूव करते हैं, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है अगर इनोवेशन नहीं लाएंगे प्रोडक्ट उनका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो चलिए अब वो देखते हैं हम, ठीक है। चलिए अब क्या बात करेंगे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करें तो करें कैसे। इंप्रूवमेंट का मतलब नहीं है कि आप जो कर रहे हो, मतलब एक चीज में आप कर सकते हो इंप्रूवमेंट। अभी आप अगर स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप कोई नया चीज पढ़ सकते हो, उससे एक चीज पता लगा, आप एक्स्ट्रा सीखिए। मतलब क्या है, जो चीजें आज आपको पता है कल आपको एक कम से कम एक्स्ट्रा चीज पता होना चाहिए। अब सोचिए जरा, दिन साल में कितने डेज होते हैं, 365 366 डेज होते हैं, तो आप एक साल में कितने नया चीज सीख जाएंगे, समझ के ना क्या बोला मैंने। लेकिन दो तीन दिन हो सकता है आप कर लो, लेकिन आगे कैसे करोगे, वो लास्ट वाला टॉपिक में, लास्ट वाला जो चीज है उसमें बताऊंगा कैसे हो पाएगा सारा काम आपका, सारा खेल वो लास्ट वाले में छुपा हुआ है। तो चलिए सेकंड पर चलते हैं। सेकंड मैंने क्या बोला, सेकंड टॉपिक मैंने उठाया, सेकंड जो हेडिंग उठाया वो क्या है, रीडिंग बुक्स डेली। आपको क्या करना है, बुक्स डेली पढ़ना, डेली, यस डेली आपको बुक्स पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज बढ़ेगा, आपका दिमाग खुलेगा, आप सोच पाओगे, समझ पाओगे, कुछ करने के लिए मन करेगा, आपको फैक्ट्स पता लगेगा, आपका इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको तरीका पता लगेगा, आपको स्टेप्स पता लगेगा, आपको पाथ पता लग जाएगा, आपको अच्छा और बुरा का नॉलेज आ जाएगा। जिस दिन आपको ये सारा कुछ पता लग जाएगा ना, आप कमाल कर जाओगे। सेकेंड पॉइंट में ही इसीलिए बताया गया है, रीडिंग बुक्स कंटिन्यूअसली डेली, आप रीड बुक को पढ़ो, और कुछ टाइम के लिए सही क्यों ना आप पढ़ाई करो, लेकिन एक चीज बताऊंगा, बस में बुक मत पढ़ना, आंख आपके खराब हो जाएंगे, ये जरूर बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोग बस में बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मत पढ़ना, आपके आंख खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जर्क होते हैं और बस ऊपर नीचे होता है, आंख में एडजस्टमेंट हो नहीं पाता है, उसमें फिर होने में प्रॉब्लम होता है, उससे स्ट्रेन होता है, उससे आंख खराब होने का चांसेस रहते हैं। तो सेकेंड आपको बता दिया, पहला क्या होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सेकेंड क्या बोला रीडिंग बुक्स डेली, थर्ड पॉइंट क्या बात करेंगे, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करने से बहुत ज्यादा एनर्जी आपके अंदर रहता है, और डेफिनेटली मैं बोलूंगा जितना भी आप अगर इंडिया से हो, डेफिनेटली कुछ जगह बताऊंगा उनमें जरूर जाओ। एक तो जम्मू माता वैष्णो देवी, दूसरा भुवनेश्वर, पुरी है, पुरी जाइए आप, तीसरा मैं बोलूंगा आप दार्जिलिंग जरूर जाओ, चौथा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है जरूर जाओ, कुल्लू जाइए आप जो भी हिमाचल प्रदेश में है, इसके बाद जैसलमेर राजस्थान में है उधर जाइए, दिल्ली जरूर घूमिए, उसके बाद आगरा भी जाइए आप, और एक एमपी में है अमरकंटक उसमें जाइए। ये सारे प्लेसेस जो बताया मैंने मस्त है, बहुत जबरदस्त प्लेसेस हैं, मजा आ जाएगा आपको, और भी मजा लेने हैं आपको जा सकते हैं चंबा, और खास करके जो चंबा हिमाचल प्रदेश में है मिंजर इंटरनेशनल फेयर है उसमें जरूर जाइए, वो जबरदस्त जगह है, मैं गया था, बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ, बारिश के मौसम में तो मूव मत करना, लैंडस्लाइडिंग के प्रॉब्लम वहां पर रहते हैं। वेल नेक्स्ट, लेट्स कम बुक टू द बैक टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है, ट्रैवलिंग तो करने आपको, तीसरा पॉइंट आपको बता दिया। सेकेंड लास्ट पॉइंट पर आते हैं, वो टॉपिक क्या आपके पास, केयर फॉर अदर्स। जो तीन चीजें आपको बताया मैंने एक सेंटेंस, केयर फॉर अदर्स, ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, हर चीजों के लिए है, लिविंग के लिए भी है, नॉन लिविंग के लिए भी है। अगर आप केयर करना भूल जाएंगे, केयर करना छोड़ देंगे, तो आप खुद का भी केयर नहीं करेंगे। केयर करना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स से केयर करना है, सिस्टर केयर करना है,
वाइफ के केयर करना है, मदर का केयर करना है, उसके बाद भाई के केयर करना है, आपके लाइट के केयर करना है, मोबाइल के केयर करना है, लैपटॉप को केयर करना है, बुक्स के केयर करना है, वॉच के केयर करना है, क्लॉथ्स के केयर करना है, हेयर के केयर करना है, अपने बॉडी के केयर करना है, तो हर चीज का केयर करिए। केयर करने से क्या मिलेगा, आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे जिस दिन आप केयर करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कोई चीज गलत करना खराब है, गलत चीज है, मैं कर रहा हूं, मुझे पता है गलत चीज है, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाता हूं, बिकॉज मेरा हैबिट बन चुका है। इसीलिए जिस दिन आप केयर करना सीख जाएंगे तो हैबिट जो खराब हुई है ना, वो आपका छूट जाएगा धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं छूटेगा, टाइम लगेगा, मुझे पता है। अब इस सारा काम जो बताया मैंने, चार चीज आपको बताया, जिसमें से कुछ चीजें को लॉन्ग टाइम को करना मुझे पता है मुश्किल है, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन जो 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 करता है ना वही तो कुछ बनता है, आपको पता है। कुछ करिए जरूर बने कुछ आप। इसीलिए जो फिफ्थ पॉइंट पे मैंने रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, रीजन। यस, कोई भी काम करते हो आप, काम करने से पहले क्वेश्चन आपने आपको पूछिए, इस काम को मैं क्यों करूं। जितने स्ट्रॉन्ग रीजन आप फाइंड आउट करेंगे ना, जितना आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, रिजिट होगा रीजन, उतने इजीली आप उस काम को कर लोगे, और उतने तरीके से आप करोगे, उतने केयर के साथ करोगे, उतने अच्छे से आप करोगे। होपफुली इस वीडियो आपको समझ में आया, लेकिन आपको क्या करना है आपको पता है, आपको इस वीडियो को आप अपने दोस्तों का शेयर करना है और लाइक बटन जरूर दबाना है, और डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट more videos related to this. Thanks for watching. Thank you very much. Hope to see you soon in my next video tutorial. Bye-bye.